हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से धमाकेदार वीडियो के साथ आपके साथ आया हूं। पिछला वीडियो मैंने नरेशन का डाला था, एक एक चीज समझाई थी आपको, बताया था कि नरेशन कैसे बन सकते हैं। अगर आपने नहीं देख पाया है तो सबसे पहले आप नरेशन का वो वीडियो ऊपर जो आई बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं तो ये मान के चलता हूं कि आपको नरेशन बहुत अच्छे से आते हैं, तो आइए मेरे साथ अखाड़े में और 10 क्वेश्चन करके दिखाइए, यानी कि 10 क्वेश्चन का टेस्ट करें। मैं आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पे समझाऊंगा, आप मुझसे पहले समझ सकते हो। अगर आपको अच्छी तरह से आ रहे हैं तो आप अपने आप को वहाँ पे देख सकते हो कि एक सही निकला, कि दो सही निकले, कि तीन सही निकले, देख सकते हो। चलिए तो शुरुआत करते हैं और मैदान में हम लोग पहुँच चुके हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं नरेशन प्रैक्टिस की, यानी कि आज बारी है नरेशन प्रैक्टिस की। आपको इस वीडियो तक एंड तक देखना है और अपने आप को बताना है कि सर मेरे 10 में से 10 आपसे पहले मैंने कर दिए थे। आंसर जरूर लिखे हैं, लेकिन आप क्वेश्चन समझ के अपने आप को पहले ट्राई करो, फिर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन है ही सेड टू मी, ये क्वेश्चन है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई हैव डन माय वर्क, इसको बदलना है। तो सबसे पहले ये जो आगे का हिस्सा रहता है वो उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब या फिर रिपोर्टिंग स्पीच, और अंदर का हिस्सा जो रहता है वो रहता है रिपोर्टेड स्पीच। हम लोग हमेशा रिपोर्टेड स्पीच को देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच किस तरह का है। तो हमने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव का है, और जब अफर्मेटिव नेगेटिव होता है तो सैड सैड में ही रहता है, और सैड टू किस में रहता है, टोल्ड में, मैंने बताया था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ही की जगह ही लिख दिया, सैड टू की जगह मैंने टोल्ड लिख दिया, मी की जगह मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, आई कौन सा पर्सन है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, जो किस में जाएगा, सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट ही है, तो हमने ही लिख दिया। अब हैज और हैव किस में बदलते हैं, हैड में, तो हमने हैड लिख दिया। सारे नियम, नरेशन का वीडियो नहीं देख पाया देख लो, अगर आपको सारे नियम आते हैं तभी आपको समझ में आ जाएगा। हैव की जगह हैड कर दिया, डन की जगह डन, और माई जो है फिर से हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो किस में जाएगा, सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट ही है, तो ही का हिज, और वर्क की जगह वर्क, यानी कि हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, ही टोल्ड मी दैट ही हैड डन हिज वर्क। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की बारी है। सेकेंड क्वेश्चन है, सी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, किसी लड़की ने किसी लड़के से कहा, यू डिड नॉट गो टू मार्केट, तुम बाजार नहीं गए, इसको बनाना है। चलिए बनाते हैं। हमने अंदर का हिस्सा देखा, नेगेटिव है, नेगेटिव और अफर्मेटिव किस में बदलता है, बताया था ना अभी, सेड सेड में रहता है और सेड टू टोल्ड में बदलता है। तो देखिए, सबसे पहले सी की जगह सी, सेड टू की जगह टोल्ड, हिम की जगह हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, यू हमारा सेकंड पर्सन है, तो कहाँ जाएंगे भैया, ऑब्जेक्ट भी बदल जाएंगे, ऑब्जेक्ट हिम है तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। आपको पर्सन अच्छी तरह से आते होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीन पर्सन होते हैं ना। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में बदलता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में बदलता है। फर्स्ट पर्सन कौन से हैं, ध्यान आ गया कि नहीं, आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन थे, सेकंड पर्सन यू, और बाकी बचे कुचे जो भी हैं वो सब थर्ड पर्सन में आते हैं। तो देखिए, हमने देखा ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, हिम का क्या हो जाएगा, ही, डिड नॉट किस में बदलता है, हैड नॉट में, डिड जो है वो हैड में जाता है, तो हमने हैड नॉट कर दिया। गो की थर्ड फॉर्म गॉन, क्यों, क्योंकि हैड कहता है कि मेरे साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, और टू मार्केट बचा है तो आंसर हमने वो भी लिख दिया, टू मार्केट, क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी आर मोर्टल, ये क्वेश्चन है। अब हमने देखा अंदर का जो भाग है वो एक अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है, यानी कि इसमें सैड सैड में रहेगा और सैड टू टोल्ड में बदलेगा। तो हमने देखा ही की जगह ही, सैड टू की जगह टोल्ड, मी की जगह मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, ओके। वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किस में जाएगा, सब्जेक्ट में जाएगा, यानी ही में बदलना चाहिए। लेकिन तभी मुझे ध्यान आया, ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये क्या कर रहा हूं, जो यूनिवर्सल ट्रुथ और प्रोवर्ब्स होती हैं वो वैसे की वैसी रहती हैं, उनको बदलते नहीं है। वी आर मोर्टल, हम नश्वर हैं, हमारा मरना निश्चित है, ये सार्वभौमिक सत्य है, और सार्वभौमिक सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रुथ और प्रोवर्ब्स को हम बदलते नहीं हैं,
बदल सकते हैं क्या? हमारा मरना निश्चित है ना, हम मोर्टल हैं, हम नश्वर हैं, हम नहीं बदल सकते। तो हम लोग इसमें नहीं बदलेंगे, आगे का हिस्सा चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, इसलिए वी आर मोर्टल की जगह वी आर मोर्टल ऐसे लिखेंगे हम लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सी सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा एम आई गेटिंग इट, इसको बदलना है। हमने देखा, देखो हम लोग हमेशा अंदर वाला पार्ट देखते हैं, हमने देखा अंदर वाला पार्ट किस में है, अंदर वाला पार्ट इंटरोगेटिव में है। इंटरोगेटिव में सेड हो चाहे सेड टू किस में बदलते हैं, आस्क्ड में बदलते हैं। तो ध्यान से इसको भी देख लीजिए, हमने क्या किया, सबसे पहले सी की जगह सी, सेड टू की जगह आस्क्ड, मी की जगह मी, उसके बाद कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह इफ। क्यों? क्योंकि आपको पता है, मैंने वीडियो में भी बताया था और फिर एक बार बता रहा हूं कि इफ कब, इफ या फिर वेदर दो हमारे कंजक्शन होते हैं, तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटा के हमने इफ लगा दिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आई है वो हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किस में जाएगा, सब्जेक्ट में, यानी कि सी का क्या होगा, सॉरी फर्स्ट पर्सन सी है तो सी लिख दिया हमने। एम किस में जाएगा, वॉज में, तो वॉज लिख दिया, सी वॉज। और गेटिंग दैट, तो गेटिंग की जगह गेटिंग और इट की जगह दैट, यानी कि फाइनल आंसर हो गया सी आस्क्ड मी इफ सी वॉज गेटिंग दैट। यहां पर इफ के बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है, इसीलिए जो आई है उसको हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, और ये जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी उसको बाद में लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दे सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा डू नॉट टेक इट सीरियस, इसको बदलना है। तो देखिए मैं मिटालते जाऊं, जो जो आप समझते जा रहे हो मैं मिटालते जा रहा हूं, यहां पे मैंने मिटाल दिया है। अब हम लोग इसको आराम से बनाएंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ये लीजिए, मिटाल देता हूं मैं, ये मैंने मिटाल दिया है। देखिए अब क्वेश्चन है हमारा, दे सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा डू नॉट टेक इट सीरियस, इसको बदलना है। बताइए सबसे पहले दे की जगह दे, सेड टू की जगह क्या होगा, फॉरवेट। क्यों हुआ, क्योंकि अंदर डू नॉट लगा, ये हम आंसर पहले से लिख चुके हैं, लेकिन एक बार और समझा देता हूं आपको। मी की जगह मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह क्या आएगा, टू, क्योंकि मैंने नियम बताया था कि डू नॉट को हटा के टू लगाते हैं। टेक की जगह टेक, इट की जगह दैट और सीरियस की जगह सीरियस। तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा, दे फॉरबिड मी टू टेक दैट सीरियस। इस तरह से हमने पांचवा क्वेश्चन भी बना लिया। अब बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ, छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देख लो ध्यान से, उसके बाद चार क्वेश्चन और होंगे। छठवां क्वेश्चन है, ही सेड टू मी लेट्स, ये लेट्स लिखा हुआ है, मिटल गया तो सही कर देते हैं इसको, ये लिखा हुआ है लेट्स, लेट्स फाइंड आउट सॉल्यूशन, इसको बदलना है। लेट्स वाला सीखा है कि नहीं, लेट्स वाला हमने सीखा है। लेट्स के वाले में हम लोग क्या करते हैं, सेट और सेट टू को हटा के हम सजेस्टेड लगाते हैं, और लेट्स की जगह क्या लगाते हैं, वी शुड लगाते हैं, आपको पता होगा। तो सबसे पहले ही की जगह हमने क्या लिखा, ही लिखा, सेट टू की जगह हमने क्या लिखेंगे, सजेस्टेड लिखेंगे, मी की जगह मी लगाएंगे, उसके बाद दैट लेट्स को हटा के वी शुड लगाएंगे, उसके बाद फाइंड आउट सॉल्यूशन की जगह फाइंड आउट सॉल्यूशन। ये हो गए हमारे छह क्वेश्चन, अब मैं जाने नहीं दूंगा, चार क्वेश्चन और देखते हैं, चार क्वेश्चन और भैया आप करते हैं स्टार्ट हम लोग। और सातवा क्वेश्चन हमारे सामने है, दस क्वेश्चन का मैंने वादा किया था, तो दस में से छह क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सातवा क्वेश्चन है, ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा गो टू हेल, बद्दुआ दी जा रही साफ साफ, गो टू हेल जानते हो ना, नरक में जाओ, गो टू हेल बद्दुआ दी जा रही है, कौन सा है, ऑप्टेटिव है। ऑप्टेटिव में क्या करते हैं, सेड और सेड टू को हटा के हम लोग किसमें बदलते हैं, या तो कर्स्ड में या फिर ब्लेस्ड में, यानी कि जब हम लोग बद्दुआ देते हैं तो कर्स्ड लगाते हैं और जब दुआ देते हैं तो ब्लेस्ड लगाते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ बद्दुआ दी जा रही है, तो ही की जगह ही लिखा, सेड टू की जगह कर्स्ड लिखा, मी की जगह मी लिख दिया और टू लगा के गो टू हेल जोड़ दिया। तो आंसर हमारा फाइनल हो चुका है, ही कर्स्ड मी टू गो टू हेल, उसने मुझे कर्स किया, बद्दुआ दी कि मैं भाड़ में चला जाऊं, यानी कि मैं नरक में चला जाऊं। बड़ी बुरी बात, भगवान ऐसी किसी को बद्दुआ ना दे। आगे बढ़ते हैं, सी सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा प्लीज हेल्प मी, इसको बदलना है, प्लीज लगा है, हम पहचान गए कौन सा है,
ये हमारा रिक्वेस्ट वाला है। तो प्लीज या फिर काइंडली में जब क्वेश्चन आता है तो रिक्वेस्ट वाला होता है, तो सबसे पहले सी की जगह सी, सेट टू की जगह रिक्वेस्टेड, मी की जगह हमने क्या किया मी, उसके बाद प्लीज को हटाया, आप जाइए घर पे, उसके बाद टू लगाया और हेल्प मी कर दिया, नो सॉरी मी जो है वो फर्स्ट पर्सन में बदलेगा, तो फर्स्ट पर्सन सी है तो सी का हर हो जाएगा, आंसर हो चुका है सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। अब यहाँ पे प्लीज क्यों हटाया, क्योंकि रिक्वेस्ट पहले से लग गया है, दो बार थोड़ी रिक्वेस्ट करेंगे, है ना, क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, दे सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा वाव We got an idea, आपको याद आ गया होगा exclamatory sentence, जिसमें या तो हम खुश हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं या फिर surprise यानी कि आश्चर्य से भर जाते हैं, तो यहाँ पे हम खुशी हो रहे हैं। They said to me, wow आ गया, ये exclamation word आ चुका है, यानी कि ये खुशी जाहिर कर रहा है, तो they की जगह हमने they लिखा, said to की जगह हमने क्या लिखा, इसमें हम लोग लिखेंगे exclaimed, किसको exclaimed किया, मुझको किया, कैसे किया, with जॉय यानी कि खुशी के साथ मुझे बताया, उसके बाद दैट लगाएंगे, वी हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किस में जाएगा, सब्जेक्ट में, तो हो जाएगा दे, उसके बाद हमने गॉट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म जाएगी हैड में, तो दे हैड, और गॉट की थर्ड फॉर्म गॉट, और एन आइडिया की जगह एन आइडिया। लास्ट बचा है, लास्ट पर ध्यान दीजिए, सी सेड टू हिम कॉमा इनवर्टेड कॉमा गो एंड डू योर वर्क, इसको बनाना है। चलिए साहब, सबसे पहले क्या हो जाएगा, सी की जगह सी, सेट टू की जगह क्या हो जाएगा, हमने देखा यहाँ साफ साफ ऑर्डर दिया जा रहा है, तो सी ऑर्डर्ड, देखना पड़ेगा अंदर क्या है, हिम की जगह हिम, उसके बाद टू गो एंड डू, योर जो है वो कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन हिम में जाएगा, तो क्या हो जाएगा हिज, और वर्क की जगह वर्क हमारा आंसर। तो इस तरह से फाइनल आंसर हो जाएगा सी ऑर्डर्ड हिम टू गो एंड डू हिज वर्क। ये थे हमारे 10 क्वेश्चन नरेशन के, अच्छा लगा होगा, आनंद आया होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।